जब हम सॉन्ग्स की शूट कर रहे थे दिल झूम झूम और चलते रिश्क में, तो मैम ने कहा था कि मुझे जीते और मुस्कान से प्यार हो गया है, आई एम इन लव, और ये मैं प्यार में पढ़ चुकी हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और मैम ने एक और चीज़ बोली थी, मुझे तुम दोनों को ऐसे देख के लगता है कि तुम लोग 10 साल से प्यार में हो, जो तुम ऑन स्क्रीन कर रहे हो। एब्सोल्युटली। तो मैम बोलती है कि ऐसा लग रहा है 10 साल से तुम लोग प्यार में पड़े हुए और वो दिख रहा है। मैम इट वॉज ऑल योर लव एक्चुअली, जो आप जिस प्यार से अब हमें देख रही थी, आई थिंक उसके वजह से ये हुआ। कारण ये है कि आजकल जमाना जो है वो जो कोरियोग्राफर्स जज बन के टीवी पर आते हैं, लोग उन्हीं को जानते हैं। तो आम जनता जो है, जिसके सबके घरों में टीवी है, 2x4x4 के घर में भी आपको एक टीवी मिलेगा, यू नो। तो ये जो जनता है, जिसे हम मासेस कहते हैं, जो हमारी लवली ऑडियंस है, इनको सबको यही लगता है कि जो टीवी पे कोरियोग्राफर्स हैं वही मेन कोरियोग्राफर्स हैं, और वो अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग लेके चलते हैं। और मुझ जैसे कोरियोग्राफर्स जो बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी जज बनकर वहाँ बैठी नहीं, तो इसलिए लोग मुझे उतना नहीं जानते। लेकिन इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, जो मेरे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब गदर आई, ये एक गदर अपने आप में एक करिश्मा लेकर आई है, जो मुझे लगता है। गदर में भी बिल्कुल सामने आए बगैर लोगों को पता था कि शबीना खान ने किया, ये करिश्मा, ये फिल्म अपने आप करिश्मा लेकर आई। हर किसी को एक एक्सपोजर दे रही है ये फिल्म, क्योंकि जो ये अपने आप दे रही है, ये अपने आप दे रही है, ये दुआएं हैं, ये मोहब्बत है, ये ऑडियंस अपने आप सबको दे रही है। कई लोगों ने तो जाकर फिर से गूगल किया कि गाने किसने किए, और मुझे बताया, हमें तो पता नहीं था, फिर हमने गूगल किया। लाइक जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो गाने को जज करते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट कोरियोग्राफर्स। अभी रिसेंटली जब ये दोनों गाने रिलीज हुए, आई हैव सीन कपल ऑफ देम गोइंग एंड लुकिंग फॉर कोरियोग्राफर कौन है, एंड आई फेल रियली हैप्पी अबाउट इट। तो आई थिंक गदर ये एक चेंज लेकर आई है अपने आप में, कि जो फेमस टीवी पे जो आते हैं जजेस, उनके अलावा भी जरा कोरियोग्राफर्स, ये गदर लेकर आई है। अब आई थिंक गदर के बाद ये एक ट्रेंड चालू होगा कि लोग कोरियोग्राफर्स को और बाकी टेक्नीशियंस को वो रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। रियलिटी शोज में जिस तरह का डांस दिखाता है और फिल्मों में जिस तरह का डांस हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, उसको आप किस तरह से देखती है? खासकर यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस फील्ड से जुड़ना चाहती है? देखो, रियलिटी शोज के जो डांसेस है वो शो डांस है। आप डायरेक्ट उनको देखते हो और उनकी स्टेप्स का लिरिक्स के साथ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो सामने बैठी हुई ऑडियंस के हिसाब से स्टेज का डांस करते हैं, जो 8 के और 16 के ब्लॉक्स होते हैं। आप देखेंगे नॉर्मली उसमें लिरिक्स का लेना देना नहीं होता, लेकिन फिल्म के जो गाने होते हैं, जहाँ तक कि मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ लिरिक्स के साथ जाना, अल्फाज जो कह रहे हैं उसके मतलब को निकाल के अपने कैरेक्टर के थ्रू लेके आना मुझे बहुत पसंद है, जो हमने गदर में भी किया और मैं अपनी हर फिल्म में करती आई हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है जो गदर में जाके फ्लॉरिश हो गई। गदर ने अपना चार्म मुझ पर डाल दिया कि जो बरसों से कर रही थी, आज वो खुल के सामने आ गया। बहुत डिफरेंस है टीवी के डांसेस में और फिल्म के डांस में, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये कहती हूँ कि फिल्मों में जो हमारे कलाकार करते हैं, जो इन दोनों ने किया, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये अचीव करना इतना आसान नहीं है। जो झूम झूम गाना और चलते रिश्क में जो सबसे लास्ट में रिलीज़ हुआ, आज लोग उस गानों को देखने थिएटर में जा रहे हैं, लोग जीते को देखकर पागल हो रहे हैं, कहते हैं मुझसे 2-2 घंटा हम यही गाना देख रहे होते हैं, झूम झूम, हम 2-2 घंटा चलते रिश्क में देख रहे होते हैं। मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरे पड़ोसी सब, वॉचमैन वगैरह में उतरती हूँ तो ये गाने देख रहे दोनों। ये देखिए क्या कला की बात है, कि इनकी मेहनत कैसे रंग लाई है। हमारे भी इंस्टाग्राम के रील्स ये भर चुके हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये है कि भाई अब यहाँ सराहा जा रहा है। दोनों के गाने लास्ट में रिलीज हुए, वो भी पूरे गाने यूट्यूब पे, लोग यूट्यूब पे देख कर फिर थिएटर में जा रहे हैं, मुझे आज टिकट नहीं मिली। तो ये वही चीज़ है कि ऑडियंस वर रेडी ऑल द टाइम टू एक्सेप्ट, वी वर नॉट गिविंग, इंडस्ट्री मासेस को भूल चुकी थी मुझे लगता है, बट वही हमारी ऑडियंस है। हम सिर्फ एक क्लास के लिए फिल्म बना रहे थे, बट यू नो अनिल जी की सारी फिल्में आप देखिए उठा के, उन्होंने हमेशा पूरी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई, हमेशा। और ये गदर के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आई एम सो प्राउड एंड थैंकफुल दे आर पार्ट ऑफ गदर, के
लोग अब ये नहीं बोल रहे कि अरे वो साउथ की फिल्में आर 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 वो हिट हुई थी, लोग बोल रहे गदर हिंदुस्तान की ब्लॉकबस्टर है। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो यही किया है जो हर घर की कहानी है, वो इमोशन, वो फैमिली का, बाप का ढूंढना, वो जीते जीते पुकारना, मतलब दिल रुक जाता है जब वो अपने बेटे को ढूंढता है या बेटा बिछड़ जाता है। ये हमारे घर घर की कहानी है, हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। हमको लगता था कि नहीं सिनेमा पे घर मत दिखाओ, घर में तो हम करते हैं, सिनेमा में कुछ और दिखाते, बट लोगों ने ये साबित किया कि हमें वही देखना है, हमें वहीं से कनेक्ट होना है, हमें अपनी ज़मीन ही देखनी है, जो अनिल जी ने प्रूव कर दिया, यू नो। हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कोरियोग्राफर सक्सेसफुल रहे, वो आगे चलकर डायरेक्टर बने, आपका भी क्या कुछ इस तरह से प्लान है? नहीं, मुझे अच्छी कोरियोग्राफर रहने दो हमारे पास, हमारा थोड़ा है, मतलब मैं लोगों को लाना चाहती हूँ, वो दिन शायद दूर नहीं। नहीं, बट मैं यही बोलती हूँ कि मुझे लोग बोलते आए हैं कि आप डायरेक्टर की तरह करती हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मैं कोरियोग्राफर्स को इस जोन में लाना चाह रही हूँ, मैं एक इनिशिएटिव लेना चाह रही हूँ गदर के बाद कि मैं कोरियोग्राफर्स को कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ कम एंड वर्क दिस वे, यू नो, लेट्स मेक गुड फिल्म विद आवर डायरेक्टर्स हु ट्रस्ट अस, वाई वी आर नॉट डूइंग दैट, वाई वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट। मैं जितनों को कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि अच्छे कोरियोग्राफर एक राजू खान मास्टर जी थे, जो गानों को अपने कैमरा एंगल्स के साथ इतना खूबसूरती से दर्शाते थे, आप शायद लोग जानते नहीं उनको, मैं उनको फॉलो करती थी, राजू मास्टर जी, ही इज़ अ ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोरियोग्राफर जो थे वो राजू खान थे, आज भी वो करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, मैंने उनसे सीखा है। मैं चाहती हूँ हमारे और कोरियोग्राफर्स, दे वेरी गुड, दे शुड कम एंड डू दिस प्रैक्टिस, लेट्स एनहांस अवर प्रोफेशन ऑल्सो। तो अच्छे से कर रही हो तो करने दो मुझे अभी है।